नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज एमसीडी इलेक्शन को लेकर गिनती जारी है और वोटों की गिनती सुबह से ही जारी है। और उसके बाद पहले राउंड की गिनती में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कई जगह से बहुमत मिल रही है, और उसके बाद शाहीनबाग हो चाहे मुस्तफ़ाबाद हो, और उसके बाद शाहीनबाग में दो वार्ड है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को बढ़त मिल रही है, और उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या एमसीडी चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे क्या उस पर भी हो रहा है, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कामयाबी मिल रही है, और उसके बाद मुसलमानों के मुत्तहिद करने की जो बातें होती थी इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद ये कहा जा रहा था क्योंकि दरअसल शाहीनबाग में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर कई सारी रैलियाँ की और उसके बाद लोगों को रिझाने की कोशिश की, उन्होंने खालिद सैफी का मुद्दा उठाया और उसके बाद वो साफ तौर पर कूड़े का मामला उठाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर कहती हुई नजर आती थी, लेकिन इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे थे और उसके बाद तमाम जगह पर रैलियां कर रहे थे। दिल्ली के गली गली में घूमकर इम्तियाज जलील और उसके बाद दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस तरह से जो है तमाम लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटों की गिनती के सामने जो चीज़ें आ रही है, क्या इससे ये साफ हो रहा है कि मेयर जो है एमसीडी में अब असदुद्दीन ओवैसी का भी होगा या गठबंधन के साथ मेयर बना सकते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हो रही है और जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं वो बड़े हैं। हालाँकि हमने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में देखा, हमने जो है उपचुनाव में देखा, बिहार के उपचुनाव के गोपालगंज उपचुनाव में देखा, हमने बिहार के विधानसभा चुनाव में देखा असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह से जो लोग चाहते हैं। लेकिन गुजरात का भी लोग टकटकी लगा के देखने के लिए बैठे हैं कि वहां पर क्या कुछ होगा। लेकिन आज जो रिजल्ट आ रहा है एमसीडी का, इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जो बढ़त मिल रही है और उसके बाद ये सब सारी चीजों को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक तोहफा है और अगर ये साफ तौर पर अगर शाम तक ये सीटें जीत जाते हैं या फिर इन सब सारी चीजों को लेकर कुछ मतलब बढ़त होती है तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होगा। और जिस तरह से ये मुद्दे उछाल रहे थे, चाहे मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं फिर कर रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब चीजों को लेकर जिस तरह से खालिद सैफी, मिरान हैदर और उसके बाद सफूरा जरगर का जिक्र करते हैं उनके नेता, तो वो साफ तौर पर यही होता है। हालांकि अख्तरुल ईमान बिहार से दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे थे, आदिल हसन प्रचार प्रसार कर रहे थे, इम्तियाज जलील साहब अपनी ताकत झोंक दिए थे और उसके बाद जो है कलीमुल हफीज वो भी चप्पे चप्पे घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे थे, लोगों को हक हिस्सेदारी की बात कर रहे थे वो वोटिंग को लेकर। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको अपील किया था कि आप मतदान बढ़ चढ़ कर करें तो क्या पतंग उड़ने वाली है एमसीडी चुनाव में और क्या मेयर जो है गठबंधन के साथ बनने वाले हैं इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्योंकि दरअसल इसको लेकर हर कोई ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जिस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो वोट की बात हो रही है, जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं एमआईएम के, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी ये चुनाव लड़ने वाले हैं और इसको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी सवालों के घेरे में है। ये नतीजे आने तक जो है साफ हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी और जिस तरह से जो मुद्दे, चाहे वो हिंदू हिंदुत्व का हो, चाहे मुसलमानों का जिक्र हो, चाहे हक हिस्सेदारी का जिक्र हो, चाहे कूड़े का जिक्र हो, तो इसको लेकर हर कोई पार्टियां जो है अपने मुद्दे उछाल रहे थे। अब क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को कितने सीटें मिल रही है एमसीडी चुनाव में, क्या मुसलमानों के मेयर हो सकते हैं, क्या गठबंधनों के साथ वहाँ पर मेयर बना सकते हैं, इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।